आपसे निष्कासित पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और अभियान शुरू कर दिया है। इस बार कपिल मिश्रा के निशाने पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। कपिल ने स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर आने वाले सभी ठेके का नाम मनीष द ठेका रख दिया है। इसके लिए बजाफ्ता पोस्टर बनाया गया है जिसे उन ठेकों पर चस्पाया गया है। आज कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ मयूर विहार के रियान इंटरनेशनल स्कूल के पास शराब के ठेके पर पहुंचे, ठेके पर पोस्टर बैनर लगा दिया। इस मौके पर कपिल मिश्रा ने कहा कि रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुए मर्डर के अलावा स्कूल में बच्चों के साथ हो रहे शारीरिक शोषण के लिए कहीं न कहीं शराब जिम्मेदार है। ऐसे में स्कूल के पास ठेका नहीं होना चाहिए। 100 मीटर के दायरे में ठेका गैर कानूनी भी है। इसके बावजूद दिल्ली के दर्जनों स्कूल के आसपास अभी भी ठेका चल रहा है और दिल्ली सरकार मौन है। क्या कुछ अभियान लेके आप यहाँ आए? सर, ये 100 मीटर के अंदर जितने भी ठेके चल रहे हैं दिल्ली में, इसके बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की थी कि ऐसे ठेके बंद कराए जाएंगे। प्रद्युम्न की हत्या में भी कहीं ना कहीं शराब का और ठेके का माना जा रहा है कि स्कूल के सामने ठेका चल रहा था, उसकी जिम्मेदारी है। और ये ठेका रियान स्कूल के 50 मीटर की दूर पर है। ऐसे 20 ठेके पूरे शहर में चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को हमने नोटिस दिया था कि ऐसे ठेके बंद करें। आम आदमी सेना से प्रभात कुमार गए थे नोटिस देने के लिए। ठेके अभी भी चल रहे हैं, तो हमने ये अभियान शुरू किया है आज से कि ऐसे सभी ठेके जो स्कूलों के आसपास चल रहे हैं उनका नाम मनीष का ठेका रखा जाएगा और इन सभी ठेकों का नामकरण अभियान हमने शुरू किया है। मनीष जी का कहना है कि जो भी एक शिकायत मिलेगी उसके बाद उन ठेकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस ठेके के बारे में तो शिकायत 1 साल पहले उनको मिल चुकी है, पेरेंट एसोसिएशन लिख चुकी है, उनके खुद के IAS अधिकारी लिख चुके हैं और इंटरनेट पर पूरी की पूरी लिस्ट है। मीडिया के कई चैनल्स में इनकी लिस्ट चल रही है। तो और ये उनकी विधानसभा के बगल में ठेका पड़ता है, अगर उनको ये भी दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब वो शिकायत का वेट नहीं कर रहे हैं, वो किसी दबाव में इन ठेकों को चलवा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कपिल मिश्रा का नया मुहिम कितना असर दिखाता है। दिल्ली से न्यूज सेवा की रिपोर्ट।